साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, जिसमें आज हम जानेंगे व्यक्तिक भिन्नता के कारण। तो हमारा टॉपिक चल रहा है व्यक्तिक भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का, जिसमें ये हमारी आज दूसरी क्लास होगी इस टॉपिक की। पहली क्लास में हमने जाना था व्यक्तिक भिन्नता क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और भी कई सारी चीज़ें। तो आप सब ने पिछली क्लास को नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको व्यक्तिक भिन्नता के बारे में कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, इसलिए ये टॉपिक आप सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ कर भी जाइएगा। तो आज इस क्लास में हम क्या जानेंगे, व्यक्तिक भिन्नता के कारण कौन कौन से हैं। देखिए, व्यक्तिक भिन्नता की अगर बात की जाए तो व्यक्ति का आपस में अलग होना, हर एक व्यक्ति का आपस में अलग होना ही व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है, या फिर आपस में भिन्न होना ही व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। कोई भी व्यक्ति अगर आप देखेंगे, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे कोई जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, जुड़वा व्यक्ति ही क्यों ना हो, वह भी आपस में अलग अलग होते हैं। चाहे आप उनके व्यवहार को देखिए या फिर उनके स्वास्थ्य को देखिए, कैसे भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ भिन्नता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो यही क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है कि व्यक्ति का आपस में भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, चाहे मानसिक रीज़न हो या फिर शारीरिक रीज़न हो या फिर वातावरण का रीज़न हो, कई सारे रीज़न हैं, लेकिन कुछ जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कारण हैं वो हम देखेंगे, जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं व्यक्तिक भिन्नता के कारण, जिनमें से पहला जो कारण है वह है अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी का। क्योंकि हम सभी अपने हेरिडिटी की वजह से अपने माता पिता या अपने पूर्वजों के द्वारा हमारे अंदर कुछ गुण आते हैं, वही क्या है, अनुवांशिकता है। तो व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, अनुवांशिकता होती है। मनोवैज्ञानिक गाल्टन, पियर्सन, टर्मन, मैकडुगल और विने इन सभी ने प्रयोग किए और अपने प्रयोग में यह सिद्ध भी किया कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण क्या है, अनुवांशिकता है। और पैतृक गुणों का संक्रमण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, हमारे पूर्वजों से हमारे माता पिता में, फिर हमारे माता पिता से हमारे अंदर, तो ऐसे एक से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण होता ही रहता है गुणों का। और इन्हीं कारण व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, हर एक व्यक्ति में भिन्नता होती है, क्योंकि सभी के पूर्वज अलग हैं, सभी के माता पिता अलग हैं, तो इस वजह से भिन्नता पाई जाती है सभी के अंदर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनके माता पिता भी बुद्धिमान होते हैं, जबकि कुछ ऐसे माता पिता हैं जो बुद्धिमान नहीं हैं तो उनके बच्चे भी बुद्धिमान नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। देखिए, कोई दो बालक हैं, उनके माता पिता तो एक ही हैं यानी कि वो भाई भाई हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों भाई जो हैं वो एक जैसे ही हों, उनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। एक भाई हो सकता है काफ़ी बुद्धिमान हो, एक भाई बुद्धिहीन हो, तो एक माता पिता की संतानों में भी भिन्नता यानी कि डिफरेंस देखने को मिलते हैं और वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और भी अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्न हो सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की वजह से ही वो भिन्न है, हो सकता है दोनों भाइयों का स्वास्थ्य भी अलग हो या फिर दोनों भाइयों को खाने में कुछ और अलग अलग पसंद हो, तो कई सारी चीज़ों में, कई सारे गुणों में अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक जो बच्चा है आपस में वो भाई बहन ही है, लेकिन कई सारी चीज़ों में उनको, उनके अलगाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या है, अनुवांशिकता के कारण होते हैं। तो ये आपने जाना है एक कारण अनुवांशिकता का, व्यक्तिक भिन्नता का। अगला कारण है वातावरण का यानी कि एनवायरनमेंट का। तो वातावरण से तात्पर्य उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिस्थितियों से होता है जिनमें बच्चा जन्म लेता है। सबसे पहले तो हम अनुवांशिकता हमारे ऊपर जो है ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि जब जन्म लेने के बाद हम जहाँ पर आते हैं वो हमारा वातावरण होता है, हम अपने समाज में अपने वातावरण से तालमेल बिठाते हैं, उसी में हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो सबसे पहले जो वातावरण है
उसमें बच्चा जन्म लेता है और वहीं पर बड़ा होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास भी इसी वातावरण पर ही निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण है कि स्वर यंत्र जो है वह अनुवांशिकता से प्राप्त होता है, लेकिन इससे भाषा वही बोलना सीखता है जो उसके वातावरण में बोली जाती है। देखिए बच्चा, जो सारे बच्चे हैं, बोलना तो सभी को आता है, लेकिन जिस वातावरण में बच्चा जन्म लेगा वहीं की बोली, वहीं की भाषा बोलना सीखेगा। तो वातावरण का काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रकार से जिस वातावरण में जो बोली बोली जाती है या जो भी शैक्षिक वातावरण में सिखाई जाती है, जो भी चीज़ें हम अपने वातावरण से सीखते हैं, इसी प्रकार रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, आदर्श और मूल्य, इन सभी का विकास भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कि हमारी नैतिक शिक्षा किस प्रकार से, हमारे आदर्श कैसे हैं, ये सब भी वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम ये सारी चीज़ें अपने वातावरण से ही सीखते हैं। अब यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य की जन्मजात और मानसिक शक्तियों के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उदाहरण एक और है कि उत्तम स्वास्थ्य की जीन्स लेकर पैदा होने वाले बच्चे को यदि संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल और सूर्य का प्रकाश ना मिले तो उसका स्वास्थ्य कभी उत्तम नहीं हो सकता। देखिए कोई बालक है जो बहुत अच्छा स्वास्थ्य लेकर जन्म होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद उसे अच्छा पालन पोषण ना मिले, उसे अच्छा भोजन ना मिले, या फिर आप कह सकते हैं उसे अच्छा जल, अच्छी वायु ना मिले, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अनुवांशिकता पर ही डिपेंड नहीं करती हैं, वातावरण और अनुवांशिकता दोनों मिला करके एक बालक जो है अच्छा विकसित हो सकता है। तो ये वातावरण भी काफ़ी प्रभावित करता है एक बच्चे के विकास को। तो यह एक कारण हो गया। अगला कारण है आयु और बुद्धि, यानी कि एज और इंटेलिजेंस का। इससे भी व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि सभी बच्चे की उम्र एक जैसी नहीं होती, सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, इसमें भी अलगाव देखने को मिलता है। तो आयु यानी कि उम्र के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा शारीरिक और मानसिक या फिर संवेगात्मक विकास होता जाता है। कोई बालक जो बहुत ही छोटा है, उसके संवेग, उसे बहुत जल्दी रोना आ जाएगा, फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा फिर खिलौनों को भूल जाएगा और खिलौनों के लिए रोना वह छोड़ देगा। तो अपने संवेग पर क्या कर रहा है, वह बालक कंट्रोल करना सीख रहा है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वह अपने संवेगों पर नियंत्रण कर पा रहा है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। हर एक उम्र का बच्चा एक जैसा नहीं होता, सभी बच्चों की उम्र अलग होती है और सभी का विकास भी अलग अलग होता है। और बुद्धि जो है ये जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। सभी बच्चों की, सभी मनुष्यों की बुद्धि भी एक जैसी नहीं होती, कोई ज़्यादा बुद्धिमान है तो कोई कम बुद्धिमान है। तो ये सारे भी रीज़न हैं व्यक्तिक भिन्नता के। अगला रीज़न है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ का। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में क्या होती, अधिगम के लिए तीव्रता होती है। वह कोई भी चीज़ जो उन्हें क्लासरूम में सिखाई जाती है या फिर कहीं से जो चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं और वे जल्दी सीखते हैं। सीखी हुई चीज़ का लंबे समय तक धारण भी करते हैं या फिर याद रख सकते हैं और सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग भी नई परिस्थितियों में करने में सक्षम हो जाते हैं। और जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, जैसे कि उन्हें बीमारी हो गई कोई या फिर कहीं पर चोट लग गई, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या फिर मानसिक दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन हो गया, कुंठा हो गई, तनाव, भगनासा, ये सारे अगर उन्हें मानसिक दुर्बलता हो गई तो वह काफ़ी धीमी गति से सीखते हैं और कहीं पर समायोजन या एडजस्ट भी नहीं कर पाते। तो स्वास्थ्य भी काफ़ी प्रभावित करता है हमारे सीखने में और हमारे व्यक्तिगत भिन्नता का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिससे हम अगले व्यक्ति से अलग हो सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे जल्दी, और अगला व्यक्ति जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो वह चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख ले रहा है। तो स्वास्थ्य भी एक कारण है। अगला कारण है जाति, प्रजाति और राष्ट्र का। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय होते हैं, साहसी होते हैं, और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में काफ़ी कुशल होते हैं।
जबकि नीग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और कार्य कुशल पाए जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक विशेषता दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से अलग अलग होती है और इन्हीं व्यक्तिक भिन्नता के कारण हम विभिन्न देशों के व्यक्तियों को सरलता से पहचान लेते हैं। तो हमारे ऊपर जाति, प्रजाति और राष्ट्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम अन्य जाति, अन्य प्रजाति और अन्य राष्ट्र के लोगों से अलग पाए जाते हैं। यह भी रीज़न है एक व्यक्तिक भिन्नता का। अगला रीज़न है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी का। परिपक्वता समय के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे जन्म के समय मानव शिशु चल फिर नहीं सकता, वह परिपक्व नहीं रहता है, लेकिन जैसे बच्चा एक साल का हो जाता है फिर उसके बाद प्रकृति उसे चलने योग्य बना देती है। वह थोड़ा थोड़ा मैच्योर होता जाता है, वह काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर वह बहुत अच्छे से उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, वह दौड़ने लगता है। इसी प्रकार मानसिक परिपक्वता भी होती है। मानसिक परिपक्वता आने के बाद कुछ बोल सकता है, कुछ पढ़ लिख भी सकता है और इस प्रकार कुछ प्राकृतिक और कुछ वातावरण संबंधी कारणों से परिपक्वता उसे शीघ्र या फिर देर में आ जाती है। तो बच्चा जो मैच्योर होता है, एक समय होता है उसका, और जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वह दूसरों से भिन्न हो जाता है। यानी कि यहाँ पर भी व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है, परिपक्वता का एक कारण है। अगला कारण है लिंग, यानी कि सेक्स का। तो लिंग भेद पर किए गए अध्ययन प्रमाणित करते हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि सुंदर होती है। ऐसा कहा जाता है अक्सर कि लड़कियाँ सुंदर लिखती हैं। लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। लड़कों का गामक विकास तेजी से होता है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। संवेग मतलब हमारे इमोशंस। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियां बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं या फिर रो देती हैं, जबकि लड़के बहुत जल्दी नहीं रोते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेक्स जो है यह भी एक रीज़न है व्यक्तिक भिन्नता होने का। अगला रीज़न है शिक्षा और आर्थिक दशा, यानी कि एजुकेशन और इकोनॉमिकल कंडीशन। तो शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं या फिर आपस में व्यक्तियों को अलग करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट बनाती है, गंभीर बनाती है, विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। देखिए, जिसके पास शिक्षा है, जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली, वह अशिक्षित व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने नहीं पढ़ा है उससे वह अलग हो गया। तो यहीं पर डिफरेंस आपको देखने को मिला कि शिक्षा क्या है, व्यक्ति को आपस में अलग बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। किसी के घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और किसी के घर में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो उनके मानसिक, आपको जो उनके मानसिक विचार होंगे उनको अलग अलग आप देख सकते होंगे। जो काफ़ी गरीब घर का बच्चा है वो एडजस्ट कर लेता है आसानी से, जबकि अमीर घर के बच्चे जो हैं, पैसा बहुत है लेकिन फिर भी एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके अंदर शिष्टाचार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अक्सर ये सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रभावित करती हैं और आपस में अलग करती हैं एक दूसरे से, इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिक भिन्नता का एक कारण होती है। अगला कारण है मनोदशा और भावात्मक स्थिरता। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। तो कुछ व्यक्ति काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, उनके अंदर तीव्रता होती है या सक्रियता होती है, और कुछ व्यक्ति देखते होंगे आप काफ़ी स्लो मोशन में रहते हैं, बहुत धीरे धीरे, उनको किसी काम में मन नहीं लगता। तो इसमें व्यक्ति अलग होते हैं, मनोदशा या भावात्मक स्थिरता नहीं होती, किसी के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, तो इस चीज़ में व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है और यह व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है। अगला कारण है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का। तो व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है और प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कुछ शारीरिक, कुछ संवेगात्मक, कुछ बौद्धिक गुण अलग या भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। सभी का व्यक्तित्व तो एक जैसा तो नहीं होता, सभी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जो है वो
काफ़ी अच्छा है या फिर उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, किसी का व्यक्तित्व कम अच्छा है। तो गुण जो है हमारे अंदर अलग अलग होते हैं और इसी की वजह से हम हमारे अंदर व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है और इन्हीं के बल पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। कुछ द्वंद्वात्मक, कुछ विनम्र, कुछ सामाजिक, कुछ एकांत प्रिय और कुछ ईमानदार, कुछ बेईमान, कुछ आलोचनात्मक, तो इस प्रकार से कुछ दुबले पतले भी पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार की भिन्नता व्यक्तित्व के कारण होती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी और अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब ये जो हमारा टॉपिक था व्यक्तिक भिन्नता का, ये समाप्त हुआ है। तो ये टॉपिक जो है ये आप सभी बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।